सो वेलकम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड, एक स्पेशल सिक्स डे सीरीज जिसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और कैसे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। आज के टॉपिक में हम इस डॉक्ट्रिन को समझेंगे। सो इन सिंपल वर्ड्स, ये डॉक्ट्रिन एंश्योर करती है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना करे। पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स तो कर सकती है लेकिन वो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। बट जैसे कि आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर इंश्योर करता है कि ये पावर मिसयूज ना हो और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इंटैक्ट रहें। एंड ये डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। एंड ऐसे इंदिरा गांधी के इमरजेंसी पीरियड में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट पास किए थे जो डेमोक्रेसी को थ्रेटन कर रहे थे। यहाँ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके इंश्योर किया कि बेसिक स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे। एंड ये डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी असली स्पिरिट में रहे। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब कोर वैल्यूज कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। तो ये था हमारा पहला एपिसोड। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, द केस दैट सेव्ड इंडियन डेमोक्रेसी, केशवानंद भारती। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड।